दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत की जनता को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों क्या आप भी चिकन का नाम सुनकर खुशी से झूमने लगते हैं, आपके मुंह में पानी आने लगता है, तो भैया वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। जी हाँ, आपकी जिंदगी से जुड़ी आधी समस्याएं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से ही हल हो जाएंगी। नहीं नहीं, हम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम आपके हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जो किस वजह से होती है और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये हमारे आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि आलू, प्याज, टमाटर जैसी चीजों को उगाकर खाने लायक बनाने में 4 से 8 महीनों का समय लगता है, और अगर बकरे या मछली वगैरह की बात की जाए तो उन्हें भी बड़ा होने में समय लगता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो बड़ी आसानी से 2 महीने में बड़ी हो जाती है, और वो है आपकी फेवरेट चिकन। जी हाँ दोस्तों, जिस चिकन को बड़े मजे से आप खाते हैं उसे बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगता, और ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे ही। पर उससे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको ज्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है क्या? आपको लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका मोटापा भी दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ता जा रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं दाद खुजली जैसी समस्याएं हैं, या फिर क्या आपके घर के बच्चे उम्र से पहले ही बड़े दिखने लगे हैं? दोस्तों अगर इनमें से कोई चीज आपके साथ है और आप चिकन खाते हैं, तब तो आपको हमारी एक एक बात ध्यान से सुननी चाहिए। जहां सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पोल्ट्री फार्म में जिस तरह से मुर्गियों को रखा जाता है उसका हाल देखकर आप चिकन खाना तो दूर, चिकन की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो सबसे फास्टेस्ट इंडस्ट्री बन गई है, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेजी से मुर्गियों को बड़ा किया जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग चिकन के इतने बड़े दीवाने हैं कि हर 2-3 दिन में उनका मन चिकन खाने का कर ही जाता है। दोस्तों खाने पीने की चीजों में मिलावट की कई सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, जिनमें से कई बार तो हमने खुद अपने चैनल के जरिए कई सारी चीजों का पर्दाफाश भी किया है। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो थोड़ा हटकर है, और जब हमने अपनी आंखों से चिकन खाने के नतीजों को देखा तो हमने सोचा क्यों ना दर्शकों के लिए एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिसे देखने के बाद वो खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ वीडियो में दम था। इसलिए सबसे अहम और जरूरी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिन जगहों पर मुर्गियों को रखा जाता है वहां पर अथाह यानी कि बहुत ज्यादा गंदगी होती है। मतलब एक ही जगह पर कई सारी मुर्गियों को डाल दिया जाता है जिसके बाद उनकी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसके अलावा आपने कई बार ये सुना होगा कि मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। जी हाँ ये बिल्कुल सच है, वरना आप खुद ही बताइए 2 महीने में मुर्गी पूरी तरह से कैसे खाने लायक हो जाएगी। जाहिर से बात है उसे इस तरह बड़ा बनाने के लिए दवाइयों का सहारा लिया जाता है, जो चीज मुर्गियों की सेहत खराब कर देती है, और उसे खराब सेहत वाली मुर्गियों का सेवन जब हम इंसान करते हैं तो हमारी भी सेहत खराब हो जाती है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह हम जब कोई आम या केला खरीद कर लाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि हम तो बढ़िया फल खरीद कर ले आए, लेकिन जब हम उसे खाने बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली नहीं है, इसे दवाइयां डालकर बड़ा किया गया है। ठीक वही हाल मुर्गियों के साथ भी होता है। जिस तरह दवाइयों द्वारा पकाए गए फल हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही मुर्गियों का भी हाल है। और इस तरह की मुर्गियों को खाने से आप फिर से उतने ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब मुर्गियों को बचाने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आप इसे इस तरह समझे कि जब मुर्गियां काफी ज्यादा मात्रा में एक साथ रहती हैं तो उनमें से कुछ मुर्गियों को कोई बीमारी होती है जो साथ रहने की वजह से दूसरी मुर्गियों में फैलने लगती है, और पोल्ट्री फार्म वालों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस वजह से वो लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि मुर्गियां बीमार होने से बची रहें। पर मुर्गियां तो इससे बीमार नहीं होती, लेकिन उन मुर्गियों का सेवन करने से उन इंजेक्शन का असर मुर्गियों को खाने वाले लोगों पर होता है, और यही कारण है कि लोग इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे क्या इन सब चीजों की वजह से हम चिकन खाना ही छोड़ दें? तो दोस्तों समाधान कभी भी किसी चीज को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उसमें सुधार लाना होता है, और इसलिए हम आपसे कहेंगे कि हमेशा देसी मुर्गी खाएं। हाँ ये भी देख लें कि देसी मुर्गियां किस तरह से तैयार की जा रही हैं, और अगर आपको वाकई में चिकन खाने का शौक है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि शौक बड़ी चीज है लेकिन सेहत उससे भी बड़ी चीज है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस तरह की धांधलेबाजी में फंस कर अपनी सेहत बर्बाद कर ले। इसलिए न सिर्फ चिकन बल्कि जितनी भी चीजें आप सेवन करते हैं उसे खाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा
कि हमारे शरीर पर असर क्या डालेंगी, क्योंकि जो चीज आप खाते हैं आप वैसे ही जिंदगी जीते हैं। यही कारण है कि पहले के समय में लोग शुद्ध देसी खाना खाते थे और उनकी जिंदगी भी शुद्धतापूर्वक चलती रहती थी। लेकिन आज हमने अपने खाने का तरीका बदल दिया, हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से पलट गई है, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर्स के क्लिनिक के आगे लंबी चौड़ी लाइन देखने को मिलती है। और उस लाइन का हिस्सा न बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।